झूठ लोगों ने किया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ना मैं आप लोग के साथ हेयर वॉश वीडियो, नहीं सॉरी, हेयर ड्राई वीडियो शेयर कर रही हूँ। और बालों को ड्राई करने के लिए हम टॉवल लपेटते ना, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, एक तो मैंने फर्स्ट वाला बता दिया है और सेकंड मैं इस तरह से करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि छोटा अगर अंगोछा हो तब तो हम यहाँ पे मतलब बन बना सकते हैं, लेकिन ये टॉवल है ना हैवी, तो बहुत बड़ा बन दिख रहा था, तो टॉवल से तो इस तरह से ठीक रहता है। ये देखिए, तो ये हो गया सेकंड। तो सेकंड इस तरह से मैं करती हूँ, और एक हो गया, बताती हूँ मैं, पहले थोड़ा सा ड्राई कर लूँ। और थर्ड हो गया इस तरह से, एक इस तरह से भी हम अपने हेयर को मतलब रोल बना के अपने टॉवल से इस तरह से भी सुखा सकते हैं हम हेयर को। बहुत से लोग इस तरह से भी सुखाते हैं। तो ये हो गया सेकंड तरीका। और मैं आज कॉटन के अंगोछे से भी हेयर को मतलब बताऊंगी कि उससे कैसे हम बैक बन बनाएं और सेकंड मतलब फ्रंट बन बनाएं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया कॉटन का, तो इससे भी हम इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से भी हम इससे भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम बैक बन भी बना सकते हैं इससे। इस तरह से भी हम बैक बन बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉटन के अंगूछे से इस तरह से, और आगे का फ्रंट वन वो भी बना के दिखा देते हैं मैं। ये देखिए, एक ये हो गया फ्रंट वन। तो इस तरह से कॉटन के कपड़े से इस तरह से बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा, ये देखिए, तो चलिए अभी मैंने सारे रोल बना के दिखा दिए, टॉवल से भी और कॉटन के अंगोछे से भी मतलब इस तरह से। तो अभी मैं हेयर को अपना ड्राई कर लेती हूँ। पता है, हेयर को ना ज़्यादा मतलब इस तरह से बहुत से लोग झाड़ते हैं ना, मैं बता रही हूँ, इस तरह से झाड़ते हैं। तो मैंने ये कई बार किया है और भूल जाते हैं, तो मैं कर भी लेती हूँ इस तरह से। मैं एवं ऐसे करके इस तरह से झाड़ते हैं ना, तो हमारे हेयर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो इस तरह से मैं भी कई बार कर लेती थी, तो जब भूल जाती हूँ, अभी भी मैं कई बार कर लेती हूँ, लेकिन मुझे जब याद आता है नहीं इस तरह से नहीं करना, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से अपने हेयर को झाड़ती हूँ ना, तो मेरे हेयर सच में इतना ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और अगर मैं अपने हेयर को
ऐसी ही मैं इस तरह से पोछूँ तो मेरे हेयर नहीं डैमेज होते हैं, नहीं टूटते हैं। तो मैं ज़्यादातर ध्यान रखती हूँ कि मैं इसी तरह से हेयर को अपने ड्राई करूँ और मैं अपने हेयर को मतलब इस तरह से झाड़ू नहीं। ये देखिए, तो ये मेरी कुछ टिप्स थी हेयर से रिलेटेड जो कि मैंने बताई हैं आप लोग को, कि मैं हेयर इस तरह से भी ड्राई कर लेती हूँ। कई काफ़ी लोग इस तरह से करते हैं और करना भी चाहिए इसी तरह से ड्राई, क्योंकि अपने हेयर को अगर ठीक रखना है तो। तो चलिए अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी ओपन, क्योंकि फिर तो अभी देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रह गया है, देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब मैं ओपन रहने दूंगी जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाते हैं हेयर मेरे। तो चलिए, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा ब्लॉग से थोड़ा सा अलग है ये वीडियो, रियल साउंड, रियल वॉइस, कोई भी म्यूजिक नहीं। तो उम्मीद करती हूँ पसंद तो आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 भी मत भूलना। तो चलिए, अब स्माइल करके सब लोग सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है ना सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना सब लोग।